नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बागवानी का शौक आप में से बहुत से लोगों को होगा, जो कि अपने छतों को ही खेत खलिहान में तब्दील करके अपनी खेती के शौक को पूरा करते होंगे। इतना ही नहीं, खेती में सारा खर्चा अपनी जेब से ही करते होंगे। हालांकि अब ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि अब छत पर फल सब्जी उगाने के लिए सरकार आपको पैसे देगी। जी हाँ, आपने सही सुना, रूफटॉप गार्डनिंग के लिए सरकार 50% तक सब्सिडी देने वाली है। हालांकि ध्यान रहे, यह सुविधा बिहार के चयनित 4 जिले यानी कि पटना, गया, भागलपुर और मुजफ्फरपुर के रहने वालों को फिलहाल दी जाएगी। तो अगर आप भी इन जिलों के रहने वाले हैं, तो सरकार की यह स्कीम आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। हालांकि ये तो सरकार की तरफ से दी जा रही रियायत है, लेकिन छत पर गमलों में या क्यारियों में फल फूल सब्जियां उगाने के कई सारे फायदे भी है। पहला कि आपको ताजे फल और ताजी सब्जियां खाने को मिलती रहेंगी। दूसरा, ज्यादा उपज होने पर आप इसे बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं, साथ ही आप रचनात्मक काम में व्यस्त रहते हैं। इतना ही नहीं, आज के व्यस्त जीवनचर्या में गार्डनिंग के चलते आप वर्कआउट भी कर सकते हैं। ज्ञात हो, शहरी क्षेत्र को सब्जी उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई तरह के वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। ताजे और जैविक सब्जियों की मांग भी आजकल काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। ऐसे में अगर आपके पास जमीन मौजूद नहीं है जहां आप खेती कर सकते हैं, तो आप आसानी से रूफटॉप का इस्तेमाल करके अपनी खेती के गुर को निखार सकते हैं। इतना ही नहीं, इसके लिए तो अब बिहार सरकार भी आपको प्रोत्साहित कर रही है और सरकार खेती के उपकरणों पर भी 50% सब्सिडी दे रही है। ये तो हो गई सरकार की तरफ से दिए जाने वाली सब्सिडी की बात। अब आइए आपको बताते हैं कि आप में से कौन कौन से लोग इस सब्सिडी के हकदार हैं। सरकारी सूत्रों की माने तो सरकार अपनी योजना में वैसे लोगों को शामिल करेगी जिनके पास अपना घर हो, और वैसे लोग जो अपार्टमेंट में रहते हो, जिनके पास अपना घर या अपार्टमेंट में फ्लैट हो, वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा खुद के मकान की स्थिति में छत पर 300 स्क्वायर फीट खाली स्थल जो किसी भी हस्तक्षेप से स्वतंत्र हो, और अपार्टमेंट की स्थिति में अपार्टमेंट की पंजीकृत सोसाइटी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त हो, खुद के मकान की स्थिति में एक इकाई और अपार्टमेंट की स्थिति में अधिकतम 75% क्षेत्र तक के लिए इकाई यूनिट यानी कि अपार्टमेंट में रहने वाले अलग अलग लाभुक को योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा सबसे खास बात ये रहेगी कि सरकार की बाकी योजनाओं की तरह इस योजना में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा, यानी कि इस योजना में सरकार लगभग 30% महिलाओं को प्राथमिकता देने वाली है। इसके अलावा अनुसूचित जाति के 16% और अनुसूचित जनजाति के 1% की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा सरकार आम नागरिकों को बागवानी के लिए उपकरण भी मुहैया करवाने वाली है, जिसके तहत पोर्टेबल फार्मिंग किट 3, ऑर्गेनिक 4, फ्रूट बैग 10, प्लास्टिक पॉट 15, खुरपी 2, हैंड स्प्रे 1, सैपलिंग 100, सब्जी के पौधे फलों के पौधे 10 दिए जाएंगे। हालांकि ध्यान रहे, इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास आवश्यक दस्तावेज की जरूरत होगी, जिसके तहत आवेदक का फोटो, पहचान पत्र, नगरपालिका की रसीद, घर की खाली छत की फोटो आदि की जरूरत आपको इस योजना का लाभ लेने के लिए होगी। अब आइए आपको बताते हैं कि आप इस योजना के लिए आवेदन कैसे भर सकते हैं। इसके लिए आपको horticulture.bihar.gov.in के डैशबोर्ड पर जाकर रूफटॉप गार्डनिंग लिंक पर क्लिक करना होगा। यहां से आप आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन से योजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया ऑनलाइन ही पूरी हो जाएगी। आवेदन करने के बाद प्राप्त रसीद पर लाभुकों को अपने अंश की राशि यानी कि 25,000 रुपए जमा करने के लिए बैंक खाता संख्या और विस्तृत विवरणी प्राप्त होगी। संबंधित खाता संख्या में लाभुक अंश की राशि जमा होने के उपरांत ही अग्रेतर कार्रवाई और कार्यादेश निर्गत करने की कार्रवाई संचालित की जाएगी। ध्यान रहे, इंडिविजुअल आवेदन में अधिकतम 2 इकाई का लाभ लिया जा सकता है, सोसाइटी के लिए अधिकतम 5 इकाई का लाभ लिया जा सकता है। सरकार की यही कोशिश है कि इस योजना के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में घर की छत पर फूल फल और सब्जी को बढ़ावा दिया जाए। राज्य के 4 जिले पटना के पटना सदर, दानापुर, फुलवारी, संपतचक, गया के गया शहरी, बोधगया मानपुर, मुजफ्फरपुर के मुशहरी, कांटी और भागलपुर के जगदीशपुर, नाथनगर, सबौर प्रखंडों में योजना का लाभ लिया जा सकता है। ग्रामीण इलाकों में वैसे ही लोगों को इन सभी खेती का काफी शौक होता है, लेकिन इसका अभाव शहरी इलाके में देखने को मिला है। लेकिन अब सरकार की यही कोशिश है कि शहरी इलाके में रहने वाले लोगों को भी इस तरीके की चीजों के लिए प्रोत्साहित किया जाए। यही कारण है कि सरकार ने अब ऐसे लोगों को सब्सिडी देने का फैसला लिया है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।